IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन छात्रों के साथ। ये कहानी वेंकटरमन रामकृष्णन की है, जो भारत में तमिलनाडु के चिदंबरम शहर से शुरू होकर इंग्लैंड में कैम्ब्रिज की प्रसिद्ध मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक पहुंचती है, जहां वो अपने शोध जीवन के शिखर पर पहुंचकर सन 2009 के रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार हासिल करने में सफल होते हैं। भौतिकी विज्ञान की लंबी शिक्षा के बाद जीव विज्ञान को शोध का विषय चुनना उनके वैज्ञानिक जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। भौतिकी विज्ञान में PhD करने के बाद उन्होंने जीव विज्ञान की ओर कदम रखे, जिसमें दिनों दिन उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण करने वाले कारखाने यानी राइबोसोम जैसे जटिल विषय को उन्होंने अपने शोध का विषय बनाया। अत्यंत जटिल शोध प्रयासों से उन्होंने राइबोसोम की संरचना का परत दर परत रहस्योद्घाटन किया, जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार का हकदार बनाया। राइबोसोम क्या है, उसका हमारे शरीर में क्या योगदान है, उसकी संरचना क्या है, इस पर वेंकटरमन रामकृष्णन ने क्या कार्य किया, ये सवाल जितने जटिल हैं उतने ही रुचिकर भी। विज्ञान जगत से जुड़े लोगों की इसमें अपार जिज्ञासा जागृत हो चुकी है। इसका श्रेय प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन को जाता है। उनके इस शोध ने अनेक शोध विषयों के रास्ते खोल दिए। कई बार वेंकटरमन रामकृष्णन स्वयं छात्रों से मिले। वे सरल शब्दों में छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि जीवंत कोशिका में राइबोसोम कैसे और क्या काम करते हैं। Good morning, everybody. All right, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So, can we start? जी सर. Yes, sir. सर, मेरा एक सवाल था. सर, हमने जीव विज्ञान में पढ़ा है कि कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम नामक एक आणविक संरचना होती है. जी. कहीं कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपकी हुई और कभी कभी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरती हुई. तो आपको इतना तो पता है कि राइबोसोम कहाँ मौजूद होते हैं? जी देखिए, बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य के शरीर तक सभी जीवों की सभी कोशिकाओं में ये मौजूद होते हैं. जी सर, जी सर. और इनके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता. यस सर. देखिए, कोशिका के हर कार्यकलाप के लिए प्रोटीन की अहम भूमिका होती है. ओके. प्रोटीन अलग अलग प्रकार के 20 एमिनो अम्लों के जुड़ने से ऐसे ही बनते हैं जैसे जैसे मोतियों से माला. एक प्रोटीन 10 से लेकर 10,000 एमिनो अम्लों की श्रृंखला से बनी हो सकती है. 10,000 से भी अधिक प्रोटीन मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं और रासायनिक स्तर पर उनका संचालन. जी सर. ओके. देखिए, इस बात का अब धीरे धीरे खुलासा हो चुका है कि RNA के और भी कार्य हो सकते हैं. पर अब ये भी प्रमाणित हो चुका है कि ज्यादातर कार्य प्रोटीन के द्वारा संपन्न होते हैं. मसलन रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं. ओके. हमारी आंखों में प्रकाश रोडोप्सिन नामक प्रोटीन के द्वारा संप्रेषित होता है. संक्रमण के समय जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो प्रोटीन है. हाँ, यस जी. आपकी त्वचा मूलतः कोलेजन नामक प्रोटीन ही तो है. सो दैट्स इट. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेरी? यस सर. कोशिका के अंदर राइबोसोम की खोज के बारे में कुछ बताइए प्लीज. देखिए, सन 1956 में रोमेनिया में जन्मे अमेरिकन रसायन शास्त्री जॉर्ज एमिल पलाडे ने प्रोटीन निर्माण करने वाले इन कोशिका कणों को राइबोसोम नाम दिया था.
अच्छा जी। इस शोध कार्य के लिए उन्हें सन 1958 का नोबेल पुरस्कार मिला। ये आरएनए और प्रोटीन अणुओं को मिलाकर बनते हैं। इट्स अमेजिंग टू नो हाउ दे लुक। देखिए, हर एक कोशिका में हजारों राइबोसोम होते हैं। सभी प्रजातियों के राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इनमें से एक बड़ी और एक छोटी उप इकाई होती है। बड़ी उप इकाई छोटी उप इकाई से लगभग दुगने आकार की होती है। रियली? जी। और एक राइबोसोम का जो आकार है वो लगभग 25 नैनोमीटर होता है। 25 नैनोमीटर? गॉश, सो स्मॉल। सर, एक नैनोमीटर तो एक मिलीमीटर का 10,000,000वां हिस्सा होता है। देखिए, ये नन्हे काम करने वाले कण बहुत ही सूक्ष्म आकृतियां हैं। बट सर, हाउ कॉम्प्लेक्स इज दिस स्ट्रक्चर? देखिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका की बड़ी उप इकाई में 3 आरएनए और 49 यानी 49 प्रोटीन के अणु कण होते हैं, और छोटी उप इकाई में एक बड़ा आरएनए और लगभग 33 प्रोटीन के अणु कण होते हैं। ऑलराइट सर। कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तंत्र में चिपके रहते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, टाइनी वर्कर सर। यस, एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड इट। अणु जीव विज्ञान के शोध बताते हैं कि राइबोसोम ऐसे संयंत्र हैं जो हमारे गुण सूत्रों से संदेश लेते हैं और इनमें से निर्देश लेकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि गुण सूत्रों में प्रोटीन निर्माण के संदेश होते हैं और राइबोसोम उन संदेशों का इस्तेमाल कर प्रोटीन बनाते हैं। सर, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स रिडल। यस, श्योरली। यहां मैं जीव विज्ञान के अनुवाद की केंद्रीय समस्या का जिक्र करना चाहूंगा। ओके। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल की भाषा से प्रोटीन की भाषा को बदलने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रांसिस हैरी कॉम्प्टन क्रिक ने इस बात का सुझाव रखा। उन्होंने कल्पना की कि आरएनए एक अडैप्टर है जो कुछ न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। वो मैसेंजर आरएनए पर से गुजरते हुए एक जीव चेन की तरह एमिनो अम्लों की श्रृंखला को जोड़ता जाता है। परंतु सर, डीएनए और राइबोसोम में क्या संबंध है? ये दोनों अणु कोशिका में न्यूक्लियर आवरण के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर होते हैं और एक दूसरे से उनमें किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता। जीन यानी गुणसूत्र की एक प्रति डीएनए द्वारा निर्मित होती है जी। संदेशवाहक एमआरएनए राइबोसोम के उप अणु द्वारा अनुवादित होता है, प्रोटीन के लिए एक प्रकार के खाके का काम करता है। एमआरएनए और राइबोसोम के दोनों उपकरण एक इकाई की तरह इकट्ठे काम करते हैं। एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइडों में छुपे तिकड़े कोड की गुप्त भाषा को पढ़ते हैं। तो इस तरह जीवन की बुनियादी जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तस्वीर उभरती है। जहां संदेश डीएनए से शुरू होकर आरएनए तक पहुंचते हैं और इस प्रकार वो एंजाइम और प्रोटीन के रूप में उभरते हैं। राइबोसोम के छोटे उपकरण एक ऐसा आणविक स्केल है जो इसका निरीक्षण करते हैं कि कोड और उनके प्रतिबिंब कोड एक दूसरे से ठीक ठीक मिलते जुलते हैं। अगर उनमें कोई त्रुटि होती है तो ट्रांसफर आरएनए वहां से हट जाते हैं। जी सर, लेकिन सर इसके बाद क्या होता है? देखिए, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में जीन डिजिटल है। डिजिटल? जी। इसके अनुसार डीएनए डिजिटल सूचना को संजोने का जैसे एक टेप रिकॉर्डर हो और आरएनए उस सूचना को प्ले करने का जरिया है। अरे वाह सर। बट सर, ये प्रोटीन संश्लेषण में बड़े उपकरण और छोटे उपकरण अपना अपना रोल कैसे निभाते हैं? देखिए, ये समझने के लिए हमें राइबोसोम की संरचना की बारीकियों को जानना होगा। जी सर। अगर आप ये नहीं जानते कि किसी यंत्र में जैसे मोटर में इंजन कैसे काम करता है तो आप निश्चित ही ये नहीं समझ सकेंगे कि मोटर कैसे काम करती है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल।
इसलिए राइबोसोम की परमाणु संरचना का निर्धारण करने के लिए हमें उसकी अति सूक्ष्म और स्पष्ट तस्वीर का पता लगाना जरूरी है। Yes, जी सर। अपने शोध के लिए हमने एक्सरे यानी अज्ञात किरणें क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया है। किसी भी वस्तु की क्रिस्टल आकृति के अंदर छुपे परमाणुओं की संरचना का इस तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है। आप इसे 3D फोटोग्राफी समझ सकते हैं। जी जी। फर्क इतना है कि इसमें प्रकाश की जगह एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। एक्सरे की किरणों को सिंक्रोटोन्स नाम की मशीन से उत्पन्न किया जाता है। चूंकि दृश्यमान प्रकाश की किरणों की तरंगों के अनुपात में इन न दिखने वाली अदृश्य एक्सरेज की तरंगों की लंबाई छोटी होती है, इसलिए जब किसी अणु पर इन किरणों का प्रहार किया जाता है तो वे उस वस्तु से गुजरते समय अपना पथ बदल लेती हैं। और इस प्रकार अगर उनकी तस्वीर किसी फोटोग्राफी फिल्म पर ले ली जाए तो धूमिल वृत्ताकार आकृतियों का एक पैटर्न बन जाता है। Amazing. ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी फानूस के अंदर प्रकाशमान होने वाली लौ की परछाई दीवार पर पड़ने से एक आकृति बन जाती है। जी सर। फानूस की परछाइयों की आकृति से फानूस की बनावट की कल्पना की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार गणितीय गणनाओं के द्वारा जीव अणुओं की रचना भी पता लगाई जा सकती है। सबसे पहले सन 2000 में हमने राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों की परमाणु संरचना का पता लगाया। जी सर। और इसके बाद आगे के रास्ते खुलते ही गए। That's so amazing, sir. Thank you very much. मुझे आप लोगों में बहुत सारे वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं। Thank you, sir. Thank you very much. I must say, you've been a wonderful audience. Sir, thank you so much, sir. It was wonderful listening to you, sir. You know, Science in itself is a wonderful story. तो खूब कहानी पढ़िए। Thank you, sir. Thank you very much. प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन छात्रों के साथ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध एवं शोध आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार ऋचा सयाल, संदीप भट्ट, गौरव मारवा, वैभव रक्षित, CIRS मूर्ति, ममता मलकानी, वैभव प्रताप सिंह, किशोर सहजानी और बाबला कोचर, पार्श्व संगीत हरभजन सिंह, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।